नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कोरबा जिले में और ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है और नदी नाले उफान पर हैं और बांधों बांध में भी जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से बांधों बांध के गेट खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से कोरबा और जांजगीर जिले के 2 दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिस पर प्रशासन नजरें बनाए हुए है और गांव वालों को भी सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई जा रही है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और बैंगो डैम के निचली बस्तियों को भी खाली कराया गया है। वहीं सामुदायिक भवन और ठहराव की व्यवस्था की गई है। शहरी इलाके के हसदेव नदी किनारे निचली बस्ती कोहड़िया पारा, जोगिया डेरा, पंप हाउस, निचली बस्ती और इमली डुग्गू, सीतामढ़ी में नगर निगम की टीम देर रात तक मुनादी करा रही है। वहीं कुछ लोग घर खाली कर सामुदायिक भवन में ठहरे हुए हैं। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया है कि कुछ साल पहले आए आपदा में उनके मकान ढह गए थे और उन्होंने मुआवजे के लिए तहसील ऑफिस में आवेदन भी लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। इमली डुग्गू वार्ड के पार्षद सुफल दास ने बताया कि कुछ लोगों को मुआवजा राशि दी गई है, वहीं कुछ लोगों को नहीं मिल पाई है। इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की जा चुकी है। नहीं, यहाँ पे शिव भैया करके है। हाँ, मैं अजय कुमार सुमावार, मुख्य अभियंता हरदेव वांगो परियोजना। हमारा कार्यालय बिलासपुर में स्थित है और उसमें ये हरदेव वांगो डैम का कार्य आता है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना है हरदेव वांगो परियोजना। वर्तमान में आप जैसे देखने आए हैं, यहाँ पर पानी हमने चालू किया है। कल आवक करीब करीब 1 बजे के बाद से अचानक बढ़ने लगी और बढ़ करके शाम तक काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उस वजह से हमने तय किया कि शाम को 7 बजे से फिर गेट खोलना शुरू किया। पहले 10,000 खोला और उसके बाद भी बढ़ाते वर्तमान में भी 46,000 क्यूसेक्स पानी चल रहा है। जैसे आप लोगों को विदित होगा कि कोरिया जिले में बहुत ज़्यादा अत्यधिक वर्षा हुई है और उस वजह से पानी बहुत ज़्यादा आया, तो उसको हमने पहले इस चीज़ की प्लानिंग थोड़ा कर रखी थी कि हमने पानी का लेवल कम रखा हुआ था। जो पानी 1 लाख क्यूसेक्स और उससे ज़्यादा कुछ कम समय के लिए सही, लेकिन 1,25,000 क्यूसेक्स तक भी पानी आया, उसको हमने डैम में रोक करके रखा, जिससे उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे अब छोड़ रहे हैं, जिससे किसी भी जान माल की हानि ना हो डाउन स्ट्रीम में। और इस गेट को खोलने के पहले हम लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और उनसे बात चल रही है। उनको हमने इंतला भी किया था, उन लोगों ने अच्छी पूरी व्यवस्था करके लोगों की जो नियर बाई एरिया में जो ग्रामीण रह रहे हैं उन लोगों को उन्होंने शिफ्ट किया यहाँ पर। उसी सिलसिले में यहाँ पौड़ी में एक SDM साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया, आज जानकारी दी है कि 150 से 150 लोगों को उन्होंने शिफ्ट करके ऊँचे स्तर पर रखा हुआ है और अभी स्थिति बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और करीब करीब 46,000 क्यूसेक्स पानी आ रहा है और उतना ही हम रिलीज कर रहे हैं, तो बांध का स्तर जो है स्थिर बना हुआ है। सर, अभी तक कितने गेट खुले हुए? अभी 5 गेट खुला है। और बढ़ सकते हैं सर खुले? अगर आवक बढ़ेगी तो हम क्लोज मॉनिटरिंग है, हर घंटे देख रहे हैं, जैसे आवक बढ़ेगी तो उसके हिसाब से हम उसको खोलेंगे। सर, जैसे पानी छूट रहा है और कई क्षेत्रों में प्रभावित कर सकता है क्या, जो डुबान क्षेत्र है? नहीं, अभी तो अभी स्थिति नहीं है कि क्षेत्रों में प्रभावित करे। जब 1 लाख से या उससे ज़्यादा होता है तब थोड़ी समस्या कहीं आ सकती है, क्योंकि पहले नदी का कोर्स जो जितने एरिया में नदी बहती थी पहले वो एरिया बड़ा था, लेकिन बांध बनने के बाद उतना बाढ़ नहीं आ रही है, सब बाढ़ जो है बांध में आकर रुक जाता है और बांध से कंट्रोल करके सीमित तरीके से पानी छोड़ते हैं, तो नदी में बाढ़ आना कम हो गई। बाढ़ आने कम होने से के आसपास के लोगों का जो उसमें नदी के एरिया में जा कर के बसना शुरू हो गया है, तो उस वजह से समस्या होती है और अभी तो ऐसी कोई समस्या दिख नहीं आ रही। तुलसी भाई, ये बता क्या साल पहले की बात है, क्या हो रही है? 5 साल हो गए। क्या हो रही है? बाढ़ आ रही से? बाढ़ आ रही से तो घर टूटे रही से, तो फार्म भर रहे कलेक्टर के ना,
मोला पैसा नहीं मिले नहीं मिले का कहे से मिले मिले कहे कि नहीं मिले तो घर टूटे तो रही से हाँ वो स्ट्रीट वाला है ना वो जो थे अभी तलाक ले चिनारी थे अभी ना हाँ तो अभी तक नहीं मिले पैसा हाँ पांच पैसा नहीं पाए भाई ये बता जब बाढ़ आ रही थी पहली तक का हो रही थी का स्थिति रही थी घर है टूट गई से कपड़ा लत्ता सब बहा गई से और जमीन नुकसान हो गई सब सामान है ना हम 15 दिन 20 दिन कलेक्टर ऑफिस और वहाँ का कथे वहाँ जहाँ तहसील सब वहाँ किंद्रे हन करे नगम निगम सब को तिल किंद्रे न हुए कागज दरी से दस्तखत करवाई से सब गरी 15 दिन ना ऑटो चढ़ चढ़ के गए फिर नहीं मिली मुआवजा रस्ते नहीं मिली तो घर टूटे रही से हाँ ये सब टूटे रही से फिर आने बनाए ना हम तो ये बता मतलब शासन वासन में कोई तुम्हारे पास पैसा दे दे रही से मन नहीं दे रही से अभी काम मुनादी हो रात में का कहे अभी तो आई सलाम करके चल दे तो अभी खाली करिया के कैसे अगर खाली नहीं करवा कैसे करबो कर है बुरा बुड़बो थोड़े सामान ला कोकरो कोकरो घर लेके दुरिया दुरिया में करता तो अभी कुछ व्यवस्था करे सरकार ही रहे हुए के नहीं करे नहीं करे जंगल निचले तो हम भाग गए का लगते जो तुम मतलब टूटे वाला मकान के पैसा मिलना रही से अब तक मिल जाना रही से नहीं मिलेगा नहीं दिस गलो एक जन के धंधू जन के दोती बुढ़े रही से ना सातिक पारा के तेला दिस बाकी नहीं दे बाकी नहीं दिस से बाबू लाल बता क्या साल पहले यहाँ बाढ़ आ रही से यार 3-4 साल के पहले का बाढ़ आ रही से पहले बाढ़ में आए तो का नुकसान हो रही तो हाँ मन के ना उतना नुकसान उतना नहीं ज्यादा हो रही से पलरी छा रहे थे टूट गई रही से आओ बिजली बिल कुछ कहला नहीं है हमर हाय रहन बक्सा में तो तुम मकान टूटे तो रहिस ना हां टूटे रहिस ना फार्म भर रहा है हां तो पैसा मिलिस तो रहो नहीं क्या साल हो गए बीते अब 4 साल हो कि 5 4 साल 4 साल हो थे 4 साल ओकर बाद भी नहीं मिले एक शिकायत कलेक्टर में भी कर रहा नहीं हमन ना इस कारण कोकरो पास वाद दिसे तेकर मिली से ता ना तेकर पास से मिली से कि हमन कुछ नहीं कहे सुफल भी बताएंगे अभी जो है क्या मतलब बाढ़ जो डैम खुला है सीतामढ़ी में निचली बस्ती में किस तरह से मुनादी चल रही है नगर निगम की और क्या किए हैं आप हाँ भैया एक दो दिन से जब बिल्ले नदिया में पानी ला ढीला थे ना तो रात के 11 बजे 12 बजे आए आके माइक के माध्यम से मन सूचना देते और हमूमन पार्षद और कुछ कुछ लड़का मन संग मिल के भी जेमन के घर जल्दी डूब जाते भैया नदी किनारे हवा वो मतलब समझा था कि आप मन सतर्क रहिया और घर वर के सामान उमान है ऊपर बढ़िया व्यवस्था रखा जे मैं पानी आए तो जल्द से जल्द आप मन अच्छा जगह सुरक्षित जगह पहुंच जावा और आप मन के चैनल के माध्यम से कोरबा क्षेत्र में जे जे मन नदी किनारे रहते और नदी में बाढ़ आए में जे मतलब दिक्कत होते वहूँ मतलब मैं कहना चाहूँ कि भाई अभी बरसात के समय बहुत ज़्यादा पानी गिरा थे और मुनादी तो सरकार करते छे जाके घूम घूम के और कई जन तक नहीं पहुंच जा पाते और नदी किनारे हवा उमन भी सतर्क रहे भैया ये बताइए इससे कई साल पहले फिर से स्थिति पैदा हुए मतलब कब आ रही से अगर पहले वो समय कैसे दे रही पहले 3 साल पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही से और बहुत आदमी ला मतलब ओमा नुकसान हो रही भैया घर द्वार बहुत के और ये साल भी उसने पानी गिरे है डेम उमन बहुत भरे है लगा थे साल भी मत आ जाए उसने बात जो पहले जो नुकसान हुए आदमी मन ला वो मन की क्या नुकसान ही मिले है अब तक या फिर मन कोशिश कर रही सुखर बहुत आदमी के हमन फार्म भरवाए रहे भैया बहुत आदमी ला ओकर लाभ मिलिस और बहुत आदमी ला जो सहयोग राशि मिलना चाहिए शासन के माध्यम से ये क्षेत्र में जो पटवारी वगैरह है वो मन सहयोग नहीं कर पाए मन ला नहीं मिल पाए अभी तक अच्छा कई झन नहीं मिले कई झन अभी भी नहीं मिले भैया शनिवार को सांस्कृतिक भवन मनेंद्रगढ़ में 1500 छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों संकेतों और चिन्हों महिलाओं उत्पीड़न घरेलू हिंसा जैसे अपराधों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के आदेश अनुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल शर्मा के दिशा निर्देश पर शनिवार को सांस्कृतिक भवन मनेंद्रगढ़ में विभिन्न विद्यालयों के 1500 छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों संकेतों और चिन्हों महिलाओं उत्पीड़न घरेलू हिंसा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जानकारी यातायात सैनिक महेश मिश्रा द्वारा प्रदान की गई। नाबालिग छात्र छात्राओं को वाहन न चलाने की समझाइश दी गई और साथ ही 18 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाने के लिए कहा गया। उन्हें यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया गया।
छात्रों को भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन न करने के लिए संकल्पित किया गया और साथ ही पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देने वाले मेधावी छात्रों को यातायात सैनिक द्वारा पुरस्कृत किया गया। मिश्रा द्वारा यातायात के अनिवार्य चेतावनियों और सूचनात्मक चिन्हों की जानकारी के साथ यातायात संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए चौराहा पार करने का नियम, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, हाथों के संकेतों के माध्यम से यातायात व्यवस्था का संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, दोपहिया वाहन में 3 सवारी न चलना, वाहन चलाते समय मादक द्रव्यों का सेवन न करना, तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन न चलाना, प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने और जेब्रा क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, गुड सैमरिटन लाइसेंस बनवाने के नियम, दुर्घटना के कारण, दुर्घटना घटित होने पर चालक के कर्तव्य, सड़क पर वाहन चलाने के सही तरीके, मोटर व्हील एक्ट की विभिन्न धाराएं और उसमें निर्धारित जुर्माने की राशि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कोरिया जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 सितंबर को किया गया। कोरिया जिला में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 सितंबर को किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला और सत्र न्यायाधीश विजय कुमार एक्का के निर्देशन में न्यायालय परिषद में उपस्थित न्यायाधीशगण नीरज शर्मा, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राधिका सैनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सूर्यवंशी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग और जिला प्राधिकरण की सचिव कुमारी भावना नायक, उपस्थित बैंक अधिकारीगण, कार्यालयीन कर्मचारीगण के द्वारा वृक्षारोपण कर अपना अपना श्रमदान दिया गया। वहीं कोरिया जिला के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जनकपुर में भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बैंक और विद्युत टेलीफोन विभाग के कुल 4,905 प्रिलिटिगेशन प्रकरण रखे गए, जिसमें कुल 26 प्रिलिटिगेशन प्रकरण का निपटारा हुआ। इसी प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सिविल और आपराधिक कुल 839 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें पक्षकारों के मध्य न्यायालय द्वारा समझौता कराया और उसके बाद कोरिया जिले के विभिन्न न्यायालयों में कुल 100 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार कुल 5,744 प्रकरण रखे गए और कुल 126 प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से नेशनल लोक अदालत में किया गया। कोरिया जिले के पौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह जानकारी मिली कि अज्ञात लाश मिली है, जिसके पैर और शरीर में कोयले के कालिक लगा हुआ है। कोरिया जिला के पौड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह जानकारी मिली कि दुर्घटनाग्रस्त अज्ञात लाश मिली है, जिसके पैर और शरीर में कोयले के कालिक लगा हुआ है। इससे आशंका जताई जा रही है कि ट्रक में काम करने वाला क्लीनर व्यक्ति हो सकता है, जिसकी पता साझी की जा रही है। पुलिस थाना पौड़ी के थाना प्रभारी मौके पर पहुंच शव का पंचनामा कर भेजा गया है और अस्पताल शव के पास एक कटोरी भी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ट्रक की ही हो सकती है। इसके लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इसके द्वारा अपन जो है पंचनामा लेकर इसके गाड़ी की पतासाजी करेंगे और भी पूछताछ करेंगे, पतासाजी करेंगे यहाँ से लेकर नागपुर यहाँ और बड़ी बाजार चिरमिरी साइड से। कपड़ा दुकान के गल्ले से नगद राशि चुराने वाली महिला को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। कपड़ा दुकान के गल्ले से नगद राशि चुराने वाली महिला को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है। मामला पथरिया नगर का है, जहां मुगेली मार्ग पर गंगा श्री वस्त्रालय के संचालक सतवंत सिंह टंडन ने पथरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके दुकान से एक महिला ने पैसे चुराए हैं, जो कि रेस्ट हाउस पथरिया में माली के पद पर पदस्थ है, जिसकी पुष्टि दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से की गई है। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर महिला ने 10,000 रुपए चोरी करना कबूल किया है, जिसके पास से 9,000 रुपए प्राप्त किए गए हैं और 1,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई है, जिस पर सारे सबूत मिलने और अपराध कबूल करने पर आरोपी कृष्णाबाई पति दिलीप बंजारे साकिन सेंद्री बिलासपुर को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। क्या है मामला, तो बताइए क्या है मामला? मामला कल तकरीबन 3 बजे का है। मैं अपने घर खाना खाने के लिए गया हुआ था और इसी बीच एक महिला है जिनका नाम कृष्णाबाई बंजारे हैं, जो कि रेस्ट हाउस में माली के पोस्ट में कार्यरत हैं, वो मेरे दुकान में घुसी और मैं यहाँ नहीं था तो मेरे दराज से तकरीबन 10,000 के आसपास पैसा निकाली और बाहर निकल गई। जब उसको बाहर निकलते मेरे छोटा वाला भाई जो है, जो कि किराना दुकान संचालक है, वो देखा और मेरे को फ़ोन किए कि यहाँ एक महिला है जो कृष्णाबाई माली है, बाहर निकली है अभी और जल्दी आओ करके। तो मैं आया और देखा तो मेरे दराज से पैसा निकला हुआ था और हम जब जाके सीसीटीवी फुटेज में देखे
तो महिला का पूरा जो भी चीज़ यहाँ किए हुए थे वो सब चीज़ दिख रहा था। और मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जो कि मैं थाने में जाके सुपुर्द किया हुआ हूँ। कल गंगा बस तरलना है यहाँ रेस्ट हाउस के सामने, वहाँ पे उसका मालिक है संतवन टंडन जो है लंच करने के लिए घर गया था। घर मतलब दुकान जो खाली था मौका पाटा पे, वहीं रेस्ट हाउस के जो कार्य करती वहाँ की महिला है कृष्णा बाई, मौका पा करके उसके दराज से पैसा निकाल के चोरी कर ले करीब 10,000 रुपये। जिसे कहना चाहिए इसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज को देखने पर इसको निकलते दुकान से देखे थे तो उस शिकायत होने पर सीसीटीवी फुटेज को खटोले तो देखे कि एक औरत जो है इसके दराज से पैसा निकाल दे रही है, जिस पर अपराध कायम होता 454 के इंफॉर्मेंसी का थाना में। आरोपी गंगाबाई है, महिला है। तो फिर आज दिनांक को मतलब आरोपिया को पकड़ के पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल की और 9,000 रुपये बरामद कराई, 1,000 को खर्च करना बताई। अपराध सबूत पाए जाने से आज उसको गिरफ्तार कर जुडिशल रिमांड पर भेजा। प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा क्षेत्र प्रेम नगर के कार्यकर्ताओं की बैठक अग्रोहा भवन सूरजपुर में संपन्न हुई, जिसमें अटल दूत के द्वारा सभी पोलिंग बूथों में घर घर जाकर सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वहीं श्रद्धा से सभी घरों में जाकर एक एक चुटकी पवित्र स्थल की मिट्टी देने का आग्रह गठित अटल दूत के द्वारा किया जाना है, ताकि अटल नगर में भव्य अटल स्मारक बनाया जाएगा। उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री अनुराग सिंह देव, खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन कृष्णा राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भीमसेन अग्रवाल, पूर्व मंत्री रेणुका सिंह, व्यापारी प्रकोष्ठ संयोजक बाबूलाल अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता आर के शुक्ला, मोहन सिंह सहित भारी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनरेगा टिफिन वितरण द्वारा 2018 अंतर्गत जिला सूरजपुर के लटेरी में 11 ग्राम पंचायतों को 621 टिफिन वितरण किए गए। सभी को संबोधित करते हुए श्री राम सेवक पैकरा जी गृह जेल और पीएचई मंत्री जी ने कहा, गांव गरीब किसान मजदूर के उत्थान के लिए हमारी सरकार के द्वारा निरंतर अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर गांव गरीब किसान के विकास की नींव रखी। आज उन्हीं की योजना के तहत गाँव गाँव में सड़क का निर्माण हुआ है, जिससे आवागमन का साधन सुलभ हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी विकास के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं। उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य देश में अपना एक प्रमुख स्थान स्थापित कर रहा है। जिला पंचायत सदस्य विजय प्रताप सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा और शासन के द्वारा मिलने वाले विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही इस कार्यक्रम को श्री महेश्वर पैकरा भाजपा मंडल अध्यक्ष लटोरी और श्री राजेश यादव नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी संबोधित किया। संचार क्रांति योजना के अंतर्गत ग्राम करेली छोटी में संचार क्रांति योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कर मोबाइल त्योहार मनाया गया। मगरलोड ब्लॉक के ग्राम करेली छोटी में संचार क्रांति योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कर मोबाइल त्योहार मनाया गया। मोबाइल त्योहार में मुख्य अतिथि सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रावण मरकाम, जनपद अध्यक्ष निरूपा दाऊ, मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न साहू समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक मरकाम अपने हाथों से करेली छोटी के 426 ग्रामीणों को स्मार्ट मोबाइल फोन दिया गया और विधायक मरकाम मोबाइल त्योहार के सभा में कहा कि भाजपा सरकार और हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय डॉक्टर रमन सिंह हमेशा जनता के हित में काम करते आए हैं। हमारे संवाददाता के द्वारा पूछा गया कि स्मार्टफोन को बांटना चुनावी मुद्दा तो नहीं है, तो विधायक जवाब देते हुए कहने लगे कि हमारी सरकार आम जनता को कुछ न कुछ लाभ देते आ रही है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, चाहे विहान योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या फिर साइकिल योजना। वहीं करेली छोटी की महिलाओं ने स्मार्टफोन अपने हाथ में पाकर बहुत खुशी जाहिर की और भाजपा सरकार को धन्यवाद दिया है। धर्मजयगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्र छात्राओं ने गांव में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता और स्वच्छता रैली का कार्यक्रम किया गया।
महाविद्यालय धरमजयगढ़ के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा धरमजयगढ़ स्थित गांव तराईमार में लोगों को रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता और स्वच्छता रैली का सफल कार्यक्रम किया गया। शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के गोदग्राम तराईमार में स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम अधिकारी प्रो निरंजन कुजूर के मार्गदर्शन में स्वयं सेवकों का विशाल रैली निकाली गई और जिसमें लोगों को मतदान का महत्व और बढ़ चढ़ कर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और मतदान हमारा अधिकार है का हमें सदुपयोग करना चाहिए, हमें हमेशा मतदान करने चाहिए और दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए। साथ ही अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने में भी योगदान देना है, इस बारे में भी लोगों को जानकारी और समझाइश दी गई। ग्राम के सरपंच ने ग्राम तराईमार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ़ को गोदग्राम के रूप में अपनी सहमति प्रदान की और राष्ट्रीय सेवा योजना को मतदाता जागरूकता रैली की प्रशंसा की। शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ़ के NSS के छात्रों द्वारा ग्राम तराईमार को गोदग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है और यहाँ स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता और स्वच्छता के संबंध में व्यापक रूप से रैली निकालकर प्रचार प्रसार करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आपका हम लोग धरमजयगढ़ कॉलेज से NSS का टीम लेके यहाँ आए थे। तराईमार हमारा गोदग्राम है। यहाँ हम लोग आज मेन उद्देश्य हमारे ये थे कि यहाँ के गाँव के जो नागरिक हैं, जो बहुत ज़्यादातर गाँव में अशिक्षित लोग दिखते हैं, उनके प्रति हम लोग वोट का जो जागरूकता है कि वोट से वो क्या विकास हो सकता है हमारे देश का, वोट का क्या महत्व है, ये बताने के लिए हम एक NSS का छोटा सा रैली आज पूरे ग्राम में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ आए थे और जिसमें हम लोग आज बहुत अच्छा हमारे सभी स्वयंसेवकों का रैली में सहयोग रहा और आगे भी हम इस ग्राम में आते रहेंगे और इसी प्रकार के अच्छे विषयों पर इस ग्राम में जागरूकता रैली और कैंप लगाते हुए गांव के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद जशपुर में दो बड़े गांजा तस्कर को हिरासत में लिए जाने की खबर आ रही है। टाटा सफारी में 83 किलो गांजा के साथ एक महिला और एक पुरुष को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। काफी लंबे समय के बाद जशपुर में दो बड़े गांजा तस्कर को हिरासत में लिए जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले सरगुजा IG और SP के सख्त निर्देश के बाद चुनावी वाहन चेकिंग के दौरान रविवार की सुबह कुनकुरी के गड़ाकटा के पास वाहन चेकिंग कर रहे कुनकुरी पुलिस को गांजे से भरी स्कॉर्पियो हाथ लग गई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो उड़ीसा के रायगढ़ से उत्तर प्रदेश जा रही थी, जिसमें करीब 83 किलो गांजा भरा हुआ था। कुनकुरी पुलिस थाना इंचार्ज विशाल कुजूर ने बताया कि गांजे की तस्करी में संलिप्त एक महिला जिसका नाम सुमन देवी है और एक पुरुष रजनीश कुमार को हिरासत में लिया गया है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों व्यावसायिक तौर पर इस काले धंधे में संलिप्त हैं। पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है, इसके बाद और भी कुछ नए से हो सकते हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले सरगुजा रेंज के IG ने जिला पुलिस अधीक्षक और थानेदारों की एक बैठक ली थी। बैठक में चुनाव को देखते हुए सख्ती से वाहन चेकिंग और बड़ी कार्यवाहियां करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। कोटा थाना अंतर्गत बेलगहना चौकी के ग्राम पंचायत रतखंडी से 5 दिन से लापता बच्ची की नदी में लाश मिलने से आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोटा थाना अंतर्गत बेल गहना चौकी के ग्राम पंचायत रतखंडी से 5 दिन से लापता बच्चे की नदी में लाश मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक सुमन ध्रुव स्कूल में दूसरी में पढ़ती थी। वृद्ध महिला की इकलौती बेटी थी, उसका सहारा बेटी आज इस दुनिया में नहीं रही। वहीं मृतक बच्ची बचपन से पोलियो ग्रसित थी। वहीं बच्ची की पानी में डूबने से मौत की आशंका लगाई जा रही है। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतखंडी गांव निवासी सुमन ध्रुव मंगलवार को घर से लापता हो गई थी, जिसकी लाश वहीं के पास के अरपा नदी में उसकी लाश बरर के पास मिली। जानकारी के अनुसार कोटा थाना के बेल गहना चौकी के रतखंडी निवासी वृद्ध महिला की इकलौती पुत्री सुमन ध्रुव 4 तारीख दोपहर को घर से लापता थी। शनिवार की सुबह कुछ लोग अरपा नदी किनौर ग्रामीण टहलने गए थे, तभी ग्रामीणों ने नदी में तैरते हुए लाश दिखाई। लाश आधी सड़ चुकी थी। परिजनों ने लाश की पहचान उसके कपड़ों से की है। लाश मिलते ही घर में कोहराम मच गया। बेल गहना पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का आखिर क्या कारण था। ये ग्राम रतखंडी की 9 वर्षीय बालिका है सुमन ध्रुव। ये दिनांक 4/9/2018 को अपनी रिश्तेदारों के साथ नदी गई थी नहाने। बालिका जो है पोलियो से पीड़ित है और इसको मिर्गी के भी दौरे आते थे। इसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट पर हम लोग अपराध दर्ज कर इसकी पता तलाश कर रहे थे। पता तलाश के दौरान आज इसका शव
मिला है, मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक सी प्रसाद को क्या हुआ था मामला, बच्ची कैसे खत्म हुई कुछ बताओ जानकारी, क्या हुआ था बच्ची को? बच्चे मंगलवार के मंगल के दिन करीब 2 बजे बच्ची है मतलब घर से बिना बताए कहीं कहीं चला गया है ना, उसको फिर पूरा आसपास के गांव बस्ती खेती खाल नदी नाला सब खोजते हुए खोजते रहे। देखा बाद में 4 तारीख के 4 तारीख को हुआ लापता हो गई, एक बाद आज तक ले जा रही थी इसे, और एक संबंध में पुलिस वाले भी रिपोर्ट लिखा रहे हैं जानकारी दिए रहे, और आज दे फिर नदी के तीर तिलक खोजत खोजत आए तो नदी के तीर में बच्चे की लाश मिली। कोई शंका है का लड़का पर, मतलब कैसे शंका, मतलब मौत के कारण है कुछ लड़का पर शंका का लगा था, हत्या है का है कुछ? उसे तो हत्या के या शंका नहीं लगा था, का लगा थे पानी में? हाँ पानी में अब लेकर हाथ रिसे आई सो ही कहीं बोले तो बोले बिना बताया वो लेके आ गई रिसे। सरकार जहां चौतरफा विकास की बात करती है, 14 साल बेमिसाल के नारे लगाती नहीं थक रही है, वहीं विकास के दावे आपके सामने हैं। आजादी के 72 साल के बाद भी ग्राम पंचायत वनोल्ड के कलीपारा वासियों को सड़क नसीब नहीं हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो नजारा देख रहे हैं, ये नजारा ना तो दक्षिण भारत केरल का है ना ही मध्य प्रदेश का है, ये नजारा छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के विकास खंड माकड़ी की ग्राम पंचायत बालोंड की है। आप देख सकते हैं बालोंड पंचायत की कलीपारा निवासियों का जीवन यापन बिताना कितना पीड़ादायक स्थिति में है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जहां खड़े हुए हैं, ये ग्राम पंचायत बालोंड की कलीपारा है। इस मोहल्ले से निकलने के लिए मात्र 2 ही सड़क हैं, एक सड़क में नदी है तो दूसरी कच्ची और पुलिया टूटी हुई है, जो ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव की लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है, जिससे लोग साइकिल निकालना तो दूर की बात है, आम जनता इस सड़क पर पैदल भी नहीं चल सकती है। आप स्वयं देख लें सड़क की हालत, अब यहाँ के आम पब्लिक चाहे स्कूली बच्चा हो या फिर आम जनता, अपने गुजर बसर करने के लिए और दिनचर्या के लिए जरूरतमंद सामान कैसे अपने घर तक पहुंचाए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आजादी के 72 साल बाद भी आज तक कलीपारा निवासियों को एक WBM सड़क भी नसीब नहीं हुई, इससे ज्यादा दुख की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। सरकारी नुमाइंदे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये सब सिर्फ कागजों में वादे होते हैं, जमीनी स्तर पर सिवाय पीड़ा के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। बालोंड कलीपारा निवासी के अगर किसी भी परिवार की कोई व्यक्ति की स्वास्थ्य बिगड़ता है तो तत्काल ना तो यहाँ पर 108 पहुंच सकती है और ना ही 102, और स्वयं अपनी वाहन से भी नहीं ले जा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मौत के अलावा कलीपारा निवासियों को आगे कुछ भी नहीं मिल सकता। बालोंड में नदी पार कर होके जाना, नदी पार करके ही जाना पड़ता है। जब पानी भरा होता है तब क्या करते हैं आप लोग? अब इधर से घूम के आना पड़ता है सर। कहाँ से? जंगल अंदर से। ओ, चलने लायक है? उधर भी पैदल आना पड़ता है सर, साइकिल को ढकलने पड़ता है। इधर घूम के जाने से कितना दूर पड़ता है आप? 4 किलोमीटर तक होगा घूम के आने से। ठीक है, इसी गाँव से? जी जी। इस गाँव में अभी तकलीफ क्या है? इसमें बहुत सी सब तकलीफ है सर, यानी रोड नहीं बनी है, कीचड़ है पूरा। तो सरपंच सचिव को नहीं बताया? उनको बोलते बोले थक गए। सरपंच सचिव क्या बोले? वो लोग बोले यानी कि यानी अभी तो पुल के लिए तो यानी सरपंच को बोले तो उसका उतना लागत नहीं है बोले। अच्छा, सर जिला से यानी कहे तो सांसद से होगा बोले। आवेदन करके गए सर, वहाँ से भी कोई हमको कुछ सुना? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम अभी पूरा बनवाना ही चाहते हैं सर। इस सड़क इस गांव से निकलने के लिए कितनी सड़कें हैं जी? इस गांव से निकलने के मात्र 2 ही रास्ते हैं सर। 2 रास्ते हैं, एक रास्ते में कीचड़ है, दूसरे रास्ते में क्या स्थिति है? पुल अच्छा, नाला है उस रास्ते? नाला में पानी रहता है हमेशा? जी हमेशा पानी रहता है सर, वहाँ पार होने की कोई नहीं रहता है सर। मेरा नाम बलिराम अरकाम है जी। आप ये कौन सा जगह है?
जी सर, कलीपा रहे जो बालून पंचायत में के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या क्या समस्या क्या है आप लोगों की? जी सर, यहाँ बहुत सारी समस्या होता है। जो हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम की वहाँ जो नाला है वहाँ पुल की समस्या है, और बहुत ज़्यादा कीचड़ और चिकल है, चलते नहीं बनता है, साइकिल से जाने नहीं बनता। और हम इधर डायरेक्ट मेन रोड निकलेंगे बोलने तो रोड का ही हालत खराब है, कहीं पुल टूट गया है, कहीं रोड तो ऐसी खराब है, तो चलने का कुछ वही नहीं है। जैसे बीमार वगैरह पड़ जाते हैं इस गांव में तो यहां से जो मरीज को निकालना पड़ता है तो बाइक से भी लेना नहीं पड़ता है सर, तो हमको कंधे में लेना पड़ रहा है सर। तो बहुत ज़्यादा समस्या है सर। यहां कोई विधायक ना कोई सरपंच ना सचिव कोई यहां कोई देखने आते ना कोई ध्यान नहीं देते हैं सर। बहुत ने किसी को इस विषय में शिकायत की है आप लोगों ने? जी सर, इससे पहले कोई अधिकारी वगैरह लोग भी आए थे, तो खैर विधायक वगैरह लोग भी आए थे, तो उनके संबंधित भी आवेदन भी किया गया कि यहाँ इतना सारा समस्या है तो यहाँ देखते हुए कुछ करो बोल के, तो वो लोग भी कोई ध्यान नहीं दिए सर। क्या विधायक यहाँ के कौन है? जी यहाँ के मोहन मारकाम थे सर। तो उनसे बात की इस विषय में? जी यहाँ खैर वो पद यात्रा के उपलक्ष्य आए थे तो उससे भी बोले कि वो भी हाँ में हाँ मिला दिए सर, आज परंतु काम नहीं किया। जी काम नहीं किया। सरपंच का क्या कहना है? जी सरपंच से भी हम लोग अभी भी बोले, उससे पहले भी बोले, यहाँ भी बोले कि बहुत ज़्यादा समस्या है, सीसी रोड वगैरह कुछ दो, फिलहाल काम चलते वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है बोल रहे थे। तो सरपंच सचिव भी कोई ध्यान नहीं दे रहे सर, हाँ बनाएंगे बनाएंगे बोलते हैं, हम जब तक हम बचपन से यहाँ हैं तो कुछ आज तक कुछ हुआ ही नहीं है सर, चिकल का चिकल ही में रहना पड़ता है। तो कलेक्टर वगैरह गजाधर में काम क्या करते हैं? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं। तो अभी जो सड़क से आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं माकड़ी से आ रहा हूं। माकड़ी से आ रहा, प्रतिदिन इसी सड़क से आना जाना कर रहे हैं? जी। वर्तमान जो गांव की सड़क क्या स्थिति है? बहुत परेशानी है सर, यहाँ गाँव में पुलिया वुलिया भी नहीं है और रोड भी जो नया बना है खराब है, उसमें और पुलिया छोटा सा बना था उसको भी ले लिया पानी। अच्छा, वो पुलिया उस सड़क में जो पुलिया बनाया था वो किसने मतलब पानी ले गया है? पानी जी। यानी निर्माण कार्य जो भी घटिया स्तर का हुआ है जी। हाँ, तो ये जो अभी वर्तमान ऐसे रात भी कल आप लोग जाते हो, क्या परेशानी बहुत ज्यादा? बहुत परेशानी है सर, ये तालाब में तो छोटा सा मेड़ है, उसमें गिरने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक और तालाब है दूसरी और खाई है, तो लगभग 10 से 15 फीट का खाई है। जी। अगर अनबैलेंस हो जाए तो गिरना लाजमी है। थैंक यू। क्या नाम है? गजाधर मरकाम। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए फास्ट इंडिया 24।